एनपीआर की जो बात आई है, एनपीआर तो 2011 से चल रहा और उसी का रिव्यू हुआ, आगे बढ़ा 2015 में और फिर 2020 में हुआ। ये नई बात एनपीआर की तो बात है नहीं, लेकिन हाँ एक बात हम लोगों ने आपस में बात की, हम लोगों को लगा कि एनपीआर में जो नए कुछ उसमें ऐड किए गए उसको लेकर के भ्रम का माहौल पैदा होगा कि भाई माता पिता का कहाँ जन्म हुआ, किस दिन जन्म हुआ, तो ये कोई जरूरी जानकारी है। एक के बारे में तो कितने लोगों को जानकारी है, जो खास करके जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनको भी। तो इसको देखते हुए हम लोगों की अपनी राय है और हम लोगों की पार्टी की तरफ से हमारे दोनों संसदीय दल के जो हैं लोकसभा और राज्यसभा के नेता ये लोग बात भी करेंगे और इस बात को रखेंगे भी कि जो पहले से चला रहा है एनपीआर का जो आधार 2011 वाला उसी को कंटिन्यू करिए, उसमें नए चीजों को जिसको लेकर के कोई भ्रम हो, कोई कंफ्यूजन हो, लोगों को तकलीफ है। एक बात तो कही गई है कि जो नहीं जवाब देगा तो उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन भाई जवाब नहीं देगा फिर भी तो उसको लिखा रहेगा ना ड्रेस, तो उससे लोगों को एक भ्रम है कि भाई नहीं लिखा रहेगा उसका कभी जाकर के जब कभी एनसीआर के मामले आएगी। कई तरह की बात लोगों के मन में, जब एनसीआर की बात नहीं, लेकिन फिर भी एनपीआर में अगर ये बात है तो जो पहले का मापदंड है उसी पर करना चाहिए। जो एक अनावश्यक माहौल पैदा हो गया है वो ठीक बात नहीं है, समाज में किसी तरह की कटुता न पैदा हो और लोगों के मन में कोई भ्रम का भाव नहीं पैदा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये लगता है, ये हम लोगों की फीलिंग है कि उसमें भी जो नए और क्लॉज दिए गए उन क्लॉजेज की कोई आवश्यकता नहीं है, जो पुराने क्लॉज हैं जिसके आधार पर पहले ही एनपीआर का हुआ वही कराइए, ये हम लोगों का ये भी है। वो दो क्वेश्चंस है जिसमें हम लोग को चार पाँच है, उसमें से एक जो है ना वो है माता पिता को लेकर कि उनका कहाँ जन्म हुआ और किस दिन जन्म, तो ये तो कोई जरूरी नहीं कि सबको मालूम है, और खास करके गरीब तबके के लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, तो सबसे ज्यादा तो ये है। उसके अलावा भी कुछ है भाई आपका आधार का वो तो सब चीज का नंबर वगैरह, कभी तो सबका नंबर तो सबका रिकॉर्डेड है ही, ऐसा तो है नहीं इन चीजों का जो नंबर होता है रिकॉर्डेड नहीं आता, ये रिकॉर्डेड है, तो इन सब चीजों को भी देख लेना चाहिए। लेकिन जिन चीजों को लेकर के एक मन में जिसको कहिए कि लोगों के मन में भ्रम आ गया है या भय आ गया, तो उस चीज से जरूर लोगों को राहत दिलानी चाहिए, जैसी कोई बात हो। और एनपीआर तो नया चीज नहीं है, 2011 से हो रहा और 15 फिर हो रहा, कोई जरूरत नहीं कि बाकी चीजों के बारे में जानकारी नहीं देगा तो नहीं दे, ये तो कहा जा रहा है, अरे नहीं देगा नहीं दे तो क्या जरूरत है उसको पूछने का, क्योंकि उसको नोट करिएगा तो लोगों के मन में ये भ्रम आ गया है कि नोटेड रहेगा और उसमें डैश लिखा रहेगा, तो कल अगर सिटीजन रजिस्ट्रेशन हुआ एनआरसी हुआ तो उसमें फिर उनको संकट हो जाएगा, तो ये सब बातें जो तो हम लोग ऐसा कोई लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा ना हो और किसी तरह के भ्रम का वातावरण पैदा, तो इसको ध्यान में रखते हुए